हो गया। चलिए बताइए पानी पत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पानी पत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ना। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक ना। बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? पांच बार। पानीपत का आक्रमण था पांचवा। तुलु कुमार युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा बाबर और राणा संगा। बाबर और राणा संगा के बीच। चंदेरी का युद्ध बताए कब हुआ था? 1528। मेदनीरा बाबर और मेदनीरा। बाबर और मेदनीरा। लास्ट में कौन सा घाघरा का युद्ध? बाबर अफगानों के बीच। किसके किसके? बाबर और अफगान के बीच। ठीक है, बाबर और अफगान के बीच। ठीक ना। चारों युद्ध में कौन विजयी हुआ? उसके बाद बताइए बाबर के बाद दूसरा शासक कौन बना? हुमायूं। उसका बड़ा पुत्र। ठीक ना। हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध बताइए? बताते देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कांगरम का युद्ध और सारील का युद्ध। इसका ट्रिक क्या था? देवरा चोर बात सर। देवरा में क्या होगा? देवरा का युद्ध और चोर में चौसा का युद्ध। अब बाद में क्या होगा? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? कन्नौज का युद्ध। और सर से क्या हो गया? सारील का युद्ध। बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540। और दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खान के बीच। शेर खान शेर शाह या शेर खान? ठीक ना। अच्छा जीता कौन? शेर खान। हुमायूं क्या हो गया? हार गया। अच्छा बिलग्राम के युद्ध के बाद कौन जो 15 वर्षों तक घूमा? हुमायूं। कौन जिया? हुमायूं। किस युद्ध के बाद? बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक ना बताइए हुमायूं की शादी किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। कब हुआ? 1542। कब हुआ था? 1547। 29 अगस्त। किसके महल में? बताइए शेर शाह को शेर शाह के बचपन का नाम बताओ? हरीत खान। और उसके पिता? हसन खान। अच्छा शेर फरीद खान को शेर खान उपाधि क्यों दिया गया? क्योंकि वो एक तलवार से शेर को काट दिया था। एक ही वार में क्या एक तलवार से शेर को काट दिया था इस वजह से। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने। सासाराम। सासाराम सासाराम कौन बताइए? बिहार में जिला है ना। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ? सीढ़ी पे चढ़ने पुस्तकालय के सीढ़ी पे चढ़ने। दिन पनाह नगर का स्थापना किसने किया? हुमायूं। दिन मीन्स क्या होता है? दिन मतलब धार्मिक होता है। शरण देना। शरण देना। शरण देना। चलिए तीसरा शासक कौन बना मुगल वंश में? अकबर। अकबर अकबर के पापा का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं माता का? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम होगा। यस कंफर्म हो ना? यस हां। उसके बाद बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर। अकबर हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच। 1576। ये दोनों युद्ध में जीता कौन? अकबर। ठीक ना बताइए अकबर का संरक्षक बैरम खान।
सेनापति संगीतकार था। अकबर नामो किसने लिखा? अबुल फजल ने। फजल ने किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। बताइए प्यार से खानी बाबा को उपाधि किसे दिया गया था? बैरम खान को। अकबर के कितने रत्न थे? नौ। कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास, डोडोमल, अब्दुल रहीम, मानसिंह, हकीम, मल्ला प्याजा, क्या था, महाराज प्याजा, मुल्ला दी प्याजा। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? अष्ट दिग्गज विट्ठल स्वामी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे? अकबर। रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा किसका वास्तविक नाम था? अबुल फजल का हत्या किसने किया था? वीर सिंह मुंडेला ने। बताइए बैरम खान का हत्या किसने किया? मुबारक खान। किस यात्रा के दौरान? मक्का यात्रा। पाटन नामक जगह पर दीन इलाही धर्म का पुरोहित? अकबर। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर ने। सबसे पहली बार जजिया कर को किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। बताइए जहांगीर कम्मा है के नंबर का शासक है? चौथा। इसके बचपन का नाम? जहांगीर का सलीम। सलीम क्यों नाम रखा? सलीम चिश्ती के दरबार में ये पैदा हुए थे, इसी वजह से। बताए नूरजहां का वास्तविक नाम? मेहरुन्निसा। इसका शादी पहले किससे हुआ था? अली कुली बेग। उपाधि इसको किसका दिया गया था? शेर अफगान। अली कुली बेग और शेर अफगान से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम क्या? लाडली बेगम का शादी किससे हुआ? नूरजहां की माँ का नाम? अस्मत बेगम। नूरजहां को उपाधि दिया गया था ना, कौन दिया था? जहांगीर ने दिया था। अस्मत बेगम गुलाब से। चित्रकला का स्वर्ण काल? जहांगीर। ठीक है। स्थापत्य कला का शाहजहां। बताइए आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का मोती मस्जिद? मयूर सिंह आसन। ताजमहल का निर्माण करने वाला? शाहजहां की शादी किससे हुई थी? मुमताज से कितने बच्चे पैदा हुए? जीवित कितने रहे? सात। में पुत्र कितने? पुत्री तीन। पुत्र में कौन कौन थे? औरंगजेब सास सुजा और मुराद। पुत्री कितने थे? सामुगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और जीता। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को। ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल? जहांगीर को। चलिए बहुत अच्छा। बताइए जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? औरंगजेब ने। मुगल काल में अंतिम शासक कौन आते हैं? शाहजफर। बीबी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। औरंगाबाद। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। आलमगीर को उपाधि किसे दिया गया था? कौन दिया था? औरंगजेब को। और किसने? मुस्लिम पर जाने। ठीक ना। औरंगजेब की माता का नाम? मुमताज। नूरजहां किसकी बेटी थी?
मिर्जा ग्यास बेकी मिर्जा ग्यास हाँ असमत उसकी मम्मी का नाम असमत बेग उसकी मम्मी थी ना ठीक है। शाहजहां की शादी किससे हुई थी? शाहजहां की बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम से। उसके मम्मी कौन थी शाहजहां की? जगत गोसाई। पापा कौन थे? जहांगीर। और वास्तविक नाम इसका क्या था? खुर्रम। चलिए बहुत अच्छा बहुत